अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। LM जो है वो CV के पैरेलल है, LM जो है वो CB के पैरेलल है, और LN पैरेलल है CD के। हमें क्या प्रूफ करना है? AM बाय AB, AN बाय AD के, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें LM जो है पैरेलल है CB के, और LN जो है वो पैरेलल है CD के। और टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें? हमें प्रूफ करना है AM बाय AB का रेशियो बराबर होना चाहिए AN बाय AD के, ठीक है। AM बाय MB AB, AM बाय AB का रेशियो बराबर होना चाहिए AN बाय AD के, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रूफ लिखते हैं। पहले ले लो ट्रायंगल ABC को, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है LM जो है वो पैरेलल है CB के, ठीक है। तो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होगा? ये रेशियो बराबर होगा इनके, AM बाय MB जो है वो बराबर होगा किसके? AL बाय LC के, सही है। ये फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा ट्रायंगल, ये इसको ले लो ADC को, ट्रायंगल ADC को ले लो। ट्रायंगल ADC में क्या है? उसमें है LN पैरेलल CD के, LN पैरेलल CD के, ठीक है। LN पैरेलल CD के, तो इसमें भी बाय BPT। अब BPT लगाएंगे इसमें भी, तो क्या होगा? इसमें होगा AN बाय ND बराबर होगा किसके? बराबर होगा AL बाय LC के, ठीक है। अब इसमें देखो कि दोनों के दोनों AL बाय LC के बराबर है, ये वाला भी AL बाय LC के बराबर है, और ये वाला भी AL बाय LC के बराबर है। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? AM बाय MB बराबर होगा AN बाय ND के, सही है। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकाल निकालना था, हमें निकालना था AN बाय AD और AM बाय AB, ठीक है। AB जो है वो ये पूरा का पूरा होगा, और AD जो है ये पूरा का पूरा होगा। तो क्या होगा? एक एग्जांपल इस तरह का पहले हमने किया भी है इसी एक्सरसाइज से पहले, तो उसी तरह करेंगे। इसको रिवर्स कर देंगे, पहले MB बाय AM इक्वल टू ND बाय AN, ठीक है, रिवर्स किया जा सकता है। अब इसमें प्लस वन कर दो दोनों तरफ, और LCM ले लो, प्लस वन इक्वल टू ND बाय AN प्लस वन, ठीक है। ये मैं पहले एग्जाम्पल्स में बता बता चुका हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है, आंसर सेम ही होता है, ठीक है। MB बाय AM बटे AM हो जाएगा, और ये हो जाएगा ND बाय AN जमा AN, ठीक है। MB बाय AM क्या होगा? MB बाय AM हो जाएगा हमारा AB, तो ये हो जाएगा AB बाय AM, और इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा AD बाय, पूरा AD है ना, AD बाय AN हो जाएगा, AD बाय AN, ठीक है, AD बाय AN हो जाएगा। अब इसको रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा AM बाय AB, ये निकालना था, इक्वल टू AN बाय AD, ठीक है, यही निकालना था, तो ये हो गया हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। इस तरह से जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा।